तो शुरुआत करें अगर दोस्तों हम 29 मार्च 29 अप्रैल वाले दस्तावेज से, शाम को जो आया उसमें इतना अजीबोगरीब दस्तावेज है कि उसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्ट अनुमति दी गई है, कहा आदेश नहीं है, अनुमति है कि प्रवासी श्रमिक जा सकते हैं वापस। दूसरा आदेश है कि जाएं तो सिर्फ बस से जाएं। तीसरा आदेश है कि भेजने वाला प्रदेश और रिसीव करने वाला प्रदेश तथ्यों का आदान प्रदान करें, नोडल ऑफिसर रखें, बातचीत करें, विचार विमर्श करें, जैसे कोई बताने वाली बात हो। और चौथा है कि वहां जिस प्रदेश से जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में पहुंचने के बाद स्क्रीनिंग हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से एक तुगलकी सा फरमान है, एक अनजाने में नासमझी के साथ निकाला हुआ दस्तावेज, और उसके साथ साथ आज के स्थिति में एक क्रूर मजाक है, एक अपमानजनक तमाचा कहूंगा मैं विनम्रता के साथ इस वर्ग के विषय में। गृह मंत्रालय का फरमान एक कैसी मजाक है, कैसी परिभाषा है, ये आप इस सरकार के अप्रोच को दर्शाता है, परिलक्षित करता है। पहली बात तो मित्रों 8-9 पॉइंट्स बोलूंगा। पहला मुद्दा है कि ये आपको दस्तावेज आया है लगभग 45 दिन बाद, तो 45 दिन बाद आप आशा करेंगे कि खोदा पहाड़ तो कम से कम छोटा कोई जानवर तो निकले, यहां तो चूहा भी नहीं निकला है इस दस्तावेज के अंदर। नंबर 2, इस दस्तावेज में केंद्र सरकार की तरफ से जो बेचारा प्रवासी श्रमिक करे, जो प्रदेश जो अभी से चकनाचूर हो गया आर्थिक रूप से वो करे, उसको छोड़िए, लेकिन केंद्र सरकार क्या करेगा उसमें एक लाइन एक शब्द नहीं है। तो फरमान तुगलक की फरमान इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा केंद्र सरकार की हैसियत से, जीरो। केंद्र सरकार को आभास भी नहीं है, न सर्वे किया है, न तथ्यों को ज्ञान संज्ञान लेने का प्रयत्न किया है कि ऐसी वर्ग की संख्या क्या है प्रवासी मजदूरों की, स्टेट ए से जो स्टेट बी में जाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, प्रकाशित है ये सब उदाहरण आंकड़े, लेकिन केंद्र सरकार को इसका कोई आभास नहीं लगता मुझे। उत्तर प्रदेश और बिहार से सिर्फ जो आना चाहते हैं इन दो प्रदेशों में लगभग 42 लाख लोग हैं, कहीं से भी इन दो प्रदेशों में, मैं लगभग बोल रहा हूं, ये ऊपर नीचे में होगा ही निश्चित रूप से। बिहार ये अंदाजा लगाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 25 से 27 लाख आना चाहते हैं। तमिलनाडु याद रहे कितना पास है, कितना दूर है बिहार से। तीसरा मेरा खुद का प्रदेश राजस्थान, वहां से लगभग 3 लाख या 2.8 लाख लोग बाहर हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। गुजरात से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो तो 4 बड़े प्रदेश हैं, वहां के अंदाजा लगाया जाता है 7 से 9 या 10 लाख लोग वापस जाना चाहते हैं। असम ने अंदाजा लगाया है 1.5 लाख वापस आना चाहते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोई आंकड़ा दिया था कि लगभग 6 या 7 लाख लोग वापस आना चाहते हैं। और इसकी पुष्टि एक बड़े छोटी बात से होती है। अभी 1-2 दिन पहले जब हेल्पलाइन खोली गई, 27 अप्रैल को शायद ये आंकड़ा है, एक दिन में जो उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन है उसमें 1 लाख कॉल आए। हेल्पलाइन की बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास आंकड़े और है, मैं आपको वो नहीं देना चाहता, मेरा मतलब के लिए लिखे आपको आ जाएंगे। 4 लाख है केरला में जो वापस जाना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा फिगर है, 10 लाख से ज्यादा, इत्यादि इत्यादि। तो इसकी समझ, इसका अनुमान, इसकी साइज, इसकी बाउंड्री क्या केंद्र सरकार को मालूम है? मैं 4 लगा रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, और प्रयत्न भी नहीं किया। जो मानव अधिकार के बिंदु से देखें, ये खाएंगे क्या, पिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, उठेंगे बैठेंगे कहाँ, ये जितने भी हाइजीन के आपने नॉर्म बनाए उनको पालन कैसे करें? आपको अभी 2 दिन में प्रकाशित है, और इसकी कई डिटेल्स है मैं आपको जानना नहीं चाहता, और एक आरबीआई के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, उसने प्रकाशित किया है कि पिछले
40 दिन या लगभग जो भी लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसमें औसतन 20% महंगाई बढ़ गई, 20%। मेरे पास आंकड़े हैं, सिर्फ दाल लें तो 6-9% बढ़ी है, सिर्फ पोटेटोज यानी आलू को लें तो 15%, टमाटर को लें तो 28%, इसलिए औसतन मैंने कहा 20%, बाकी हमारे पास डिटेल फिगर्स हैं। तो एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ आप सेंट्रल विस्टा के 20,000 करोड़ को एक पैसा कम नहीं करना चाहते, एक तरफ आप बुलेट ट्रेन के 1.1 लाख करोड़ का एक पैसा कम नहीं करना चाहते। प्रकाशित सूत्रों के अनुसार आप तैयार हैं शायद हमारे राष्ट्रीय डिफेंस बजट को 40,000 करोड़ से कम करने के लिए, एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रवाद की दुहाई और सबक हमको हर दिन सिखाना चाहती है। और यहां पर यह महंगाई बढ़ रही है, प्रवासियों के लिए कोई इंजेक्शन नहीं, फिस्कल कोई समर्थन नहीं प्रदेशों को, तो ये किस प्रकार की लॉजिक है हमें समझ नहीं आया।